हेलो जी, वेलकम बैक। होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज हमने प्लान बनाया था कि हाइक पे जाती हैं। जिस हाइक पे हम जा रहे हैं उसका नाम है थंडर नॉब ट्रेल, और वो 3.6 माइल्स के राउंड ट्रिप की हाइक है, जो कि डायबलो लेक, बहुत ही खूबसूरत लेक है इधर वाशिंगटन के अंदर, उसके ऊपर वहाँ से ना उसका ऊपर पूरा व्यू आता है। तो हमने कहा कि सैटरडे अप्रैल 1 से रोज़े शुरू हो रही हैं एंड इस वक्त हमारी थी स्प्रिंग ब्रेक, तो हमने कहा स्प्रिंग ब्रेक में कुछ कर लेती हैं। इधर पीछे प्यारा खूबसूरत किस्म का पानी बह रहा है, हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी की है एंड थोड़ी हम अपनी अभी टांगें सीधी कर रही हैं एंड अबाउट 40-50 मिनट्स का रास्ता रह गया है, तो हम वहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। दैन आई विल शो यू गाइज व्हाट द हाइक लुक्स लाइक एंड सारे सीन दिखाएंगे एंड रास्ते के व्यू तो आप लोगों ने ऑलरेडी इंजॉय कर लिए होंगे। तस्वीर लगाई इधर कोई घूम गया है? यार पुरानी है, चलाई किया। ये कैंपग्राउंड चेक करो, कैस्केड वैगन रोड कैंपग्राउंड। या तो यहाँ भी है, ये पर्सन यहाँ पे मिसिंग है, 2021 जुलाई 2 को घूम गया था। किसी को मिले पाकिस्तान में तो बता दे। यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक जाना ओके। इस वक्त अभी हम इधर रुके हैं इस एरिया के ऊपर, जो कि ये रेस्ट स्टॉप इन्होंने बनाया हुआ है, पिकनिक एरिया टाइप है एंड हम लोग इधर जाएंगे। ये है डायबलो लेक एंड दुनिया ख़त्म हो रही है, ये रोड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है 36 माइल के बाद, यहाँ पर डेड एंड है। और यस, पीछे लिखा हुआ था 36 माइल के बाद डेड एंड है। और हमारी हाइक इधर इसी एरिया में है कहीं, उसका नाम है थंडर नॉब ट्रेल। ये समर में करेंगे, चले। डोरिटोस ले लिए हैं, आपने क्या लेना है? वो नेकेड वाले जूस भी यहाँ पर लेनी है। मैंने ये उठा लिया, ये ठंडा है, ये उठाओ ठंडा। तो बुरी चीज़ होती है, कभी कभी पी लेना चाहिए। फहद, ये कैंपिंग बैग हमने खरीदे थे कैंपिंग के लिए लास्ट या वॉलमार्ट से, और ऐसे हम लोग लर्जे थे ना ठंड के अंदर कि हमारी हालत ख़राब हो गई थी। सुबह हम दुआ कर रहे थे सुबह कब होगी, फिर हम गाड़ी में ना हीटर लगा के बैठे थे, सोए नहीं थे, बैठे थे जागे हुए। स्नैक्स हमने यहाँ से पकड़ लिए हैं और अब हमारा थोड़ा सा रास्ता रह गया है, ये हम या तो रास्ते में खाएंगे या ऊपर जाके खाएंगे, तो अभी चलती है।
अपने डेस्टिनेशन से हम लोग पूरा 1 मिनट दूर रह गए हैं। बात को मैंने डरा दिया। अपनी डेस्टिनेशन से हम लोग पूरा 1 मिनट दूर रह गए हैं एंड इट टुक अस 2 आवर्स एंड 44 मिनट्स का रास्ता था। हम लोग 8 बजे घर से निकले थे एंड अभी 12:20 हो रहे हैं। हमें तकरीबन 4 घंटे लगे हैं। 1 घंटा हमने रास्ते में ज़ाया किया इधर उधर रुक के व्यू इन्जॉय करते हुए एंड बस हम पहुँच गए हैं। देन हमारी है 1.8 माइल की ईच वे की हाइक एंड इट्स अबाउट 3.8 माइल्स राउंड ट्रिप। तो देखते हैं किस किस्म की हाइक है। हमने इंटरनेट पर तो पढ़ा था इट्स नॉट रियली अ हाइक, इट्स फेयरली इजी पाथवे जो कि आल्सो सूटेबल है फॉर किड्स एंड मतलब औरतों के लिए भी। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंस। व्हाट आर यू मूविंग अबाउट दैट? इट्स 2022 मैन। क्या मतलब है? इन अ क्वार्टर माइल यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। क्या लिखा है? बंद है। Watch out but flooding. Please avoid. Be close until for due to wash or cause by. Please avoid using the trail for your safety. Damn, ये क्या हो गया? Bridge has been removed. Unsafe river crossing. पहुंच तो हम गए हैं बट इधर मसला हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेल बंद है cause flooding हुई थी एंड उसकी वजह से ट्रेल वॉश आउट हो गई है एंड जो ब्रिज जाती है हाइक पे ऊपर वो उन्होंने रिमूव की हुई है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें बिकॉज वो जो सामने कैंप ग्राउंड है मैं ये लोग भी हमारे साथ आए हैं इनको भी नहीं समझ आ रही ये लोग कहाँ जाएं। ये सामने कैंप ग्राउंड है ना ये इन्होंने सारा मिट्टी डाल के ना बंद किया हुआ है। इधर हम पहले आ चुके हैं शुरू में हम आए थे बट जो हाइक हमने करनी थी थंडर नॉब वाली उसकी ट्रेल बंद है एंड यहाँ भी इन्होंने पार्किंग बंद की हुई है। क्या करें अब? इतना दूर चला गया और याद आया गोप्रो तो इधर ही रह गया। इसको लेने वापस आया हूँ मैं छत से। ऑलराइट चलो। तो ये यहाँ पर इन्होंने पूरा कैंप ग्राउंड बंद किया हुआ है इधर ये मिट्टी डाली हुई है। अब हमें नहीं समझ आ रही है यहाँ पर फ्लड वॉश आउट हुआ है या क्या हिसाब है ये क्यों डाली हुई है। बट आगे जाके देखते हैं। दो ही मुझे दे दें ये चाबी पकड़ो चले। इधर हम आए थे एक पिकनिक पे बहुत पहले ना तो यहाँ पर एक दरख्त है हमें और फहद 2015 की बात है उस पर हमने लटक एक तस्वीर ली थी वो तस्वीर फहद के फेसबुक पे पड़ी है। अगर वो दरख्त हमें अभी दोबारा मिला ना तो वी आर गोना रिक्रिएट दैट पिक्चर 7 ईयर्स लेटर और हम उनको दोनों को साथ साथ लगाएंगे। और इस वक्त ये पूरा कैंप ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है एक बंदा भी इधर कैंपिंग नहीं कर रहा। तो आई होप कि वो जो दरख्त वाली कैंप साइट है वो खाली होगी। अगर कोई हुआ तो हम वहाँ पिक्चर्स लाजमी बातें नहीं ले सकेंगे बट मेरे ख्याल से खाली होगी क्योंकि पूरा कैंप ग्राउंड खाली पड़ा है। तो लेट्स गो फाइंड आउट। ग्राउंड के अंदर इन्होंने पूरा ओपन थिएटर बनाया हुआ है। ये यहाँ पर पीछे सारे बेंचेस लगी हुए हैं। इस वक्त तो ये थिएटर बंद है बट आई एम प्रीटी श्योर ये समर में खोलते होंगे। और ये सामने स्टेज है जहाँ पर परफॉर्मेंसेज होती हैं
हमें वो दरख्त तो नहीं मिला जहाँ पर हम अपनी पिक्चर रिक्रिएट करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और वो 7 साल पुरानी बात है। यहाँ पर ये लोग जब दरख्त कमज़ोर हो जाती हैं या दरख्त टूट भी जाती हैं तो यहाँ पर दरख्त को काट देते हैं, सेफ्टी रीजंस होती हैं इनके। इस थिएटर में हम आए हैं, यहाँ पर हमने ढेर सारी पिक्चर्स ली हैं, पिक्चर्स आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर देख सकती हैं, मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम जाती हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं, हमने गैस स्टेशन से उठाए थे स्नैक्स, अब वो खाने जाती हैं। स्केल इक्विपमेंट कंडीशनिंग मेड किट्स वाटर वाइल्ड लाइफ हाइकिंग परमिट भी चाहिए, ये वो। तो ये इन्होंने हर कैंप साइट्स के ऊपर बनाए हुए हैं बॉक्सेज, है ना, स्टोरेज बॉक्सेज हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है बेयर सेवर, ये यहाँ से खुलता है अंदर से, और जब रात को लोग सोते हैं ना, देखिए ये इधर किसी ने अपना सोडा कैन रखा हुआ है जो कि फुल बंद है, अगर किसी ने पीना है तो पी ले। ये रात को यहाँ पर होता है कि अपना फूड जितना भी है ना, खाने पीने का सामान वो इसमें रखो, ताकि जो इधर बेयर्स होती है ना उनको खुशबू ना जाए, और फिर इसको ऐसे बंद कर देती हैं। और ये किसी ने इधर अपना कैन रखा हुआ था, बियर है ये, बियर है 5%, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसको इधर ही छोड़ के चले जाएंगे, बल्कि इधर नहीं छोड़ के जाएंगे हम, इसको वापस अंदर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बियर आ सकता है, वो खाने की बू सूंघ के आता है। गिफ्ट रखा हुआ है, ओके। ये जगह हमें मिली है कैंप ग्राउंड के ऊपर, इन्होंने ऐसे डॉग सा बनाया हुआ है, यहाँ पर बेंच लगाई हुई है, एंड जो हमने स्नैक्स अपने साथ गैस स्टेशन से रुक के लिए थे, डोरिटोस, चिकन हमने लिया था सेफवे से, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो यहाँ पर हम अभी बैठ के अपना खाना खाएंगे। पीछे हमारे पूरी डायब्लो लेक का व्यू आ रहा है, पीछे हमारे स्नो कैप माउंटेन्स आ रही हैं, और यहाँ पर अब हम अपना लंच एंजॉय करेंगे। हमने अपना ड्रोन बड़ा ख़राब क्रैश किया, सीधा ना दरख्त में मारा है उधर, मैं स्पोर्ट्स मोड में उड़ा रहा था। स्पोर्ट्स मोड में मसला ये है कि उसके जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर होते हैं ना, वो काम नहीं करते, और मैं वहाँ से लाया आया फहद इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा था, और हम ख्याल नहीं रहा, और मैंने बल्कि बहुत दूर ब्रेक मारी है ड्रोन की, और इसका ये वाला जो प्रोपेलर है ये टूट गया। प्रोपेलर खैर है, टूट गया प्रोपेलर तो बहुत पड़ी है घर में, इसको बंद कर या बैटरी निकाल दो। तो अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते ठीक है या नहीं है, मैं घर जाके चेक करूंगा ठीक है या नहीं है, और बट इट लुक्स फाइन, बट हमने एक्सीडेंट बड़ा ख़राब किया, सीधा उस बड़े दरख्त में मैंने मारा दबा के, पता नहीं कितने 50-60 किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे थे बचत हो गई है, उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसका वो गिम्बल ना ऐसे 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 हो रहा था गिरने के बाद, लेकिन हमने टर्न ऑफ किया, दिन दोबारा ऑन किया है, अभी तो इट्स वर्किंग फाइन, आई थिंक बचत हो गई है तो यहाँ खाना पीना करने के बाद अभी हमने मैप में देखा है, गूगल मैप में यहाँ पर आ गई है, थोड़ा हमें नहीं पता कितना आ गई है, बट इधर ही रोड पे आ गया है, डायब्लो लेक विस्टा पॉइंट लिखा हुआ है, एंड वी थिंक कि वहाँ से पूरी डायब्लो लेक का व्यू आएगा। ड्रोन शॉट्स तो हम कैप्चर करने से रहे क्योंकि हमारा ड्रोन टूट गया है, बट देखते हैं कि किस तरह की जगह है, एंड ओ दलदल क्या, यहाँ तो सही दलदल है।
ओ ओ ओ फेंक देना कहते कहते खुद फोन फेंक दिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि हम उस पॉइंट पे जाके दलाल शो टू गैस की किस तरह की जगह है, मुझे खुद भी नहीं पता किस तरह की जगह है, बिकॉज हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा और हम पिक्चर्स नहीं देख सकते उसकी, यहाँ पर सर्विस नहीं है फोन्स की। हम लोग डायबलो लेक विस्टा पॉइंट पहुंच गए हैं। जस्ट लुक एट द व्यूज़ बिहाइंड मी, ब्रेथ टेकिंग, इतना खूबसूरत व्यू है और हमने यहाँ पर ढेर सारी पिक्चर्स ली हैं। जिस चीज़ का मुझे यहाँ पर सिर्फ पछतावा है वो ये है कि मेरा ड्रोन जो है वो क्रैश हो गया था दरख्त के अंदर और यहाँ पे मैं अपने ड्रोन शॉट्स नहीं ले सका, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जब आएंगे हम यहाँ पर ज़रूर ड्रोन शॉट्स लेंगे। और जो हमने हाइक करके ऊपर जाना था उधर से भी इसी चीज़ का व्यू आना था, इसी लेक का। यस, हम लोग ड्राइव करके ऊपर आ गए हैं विच इज़ इवन बेटर। तो शुक्र है ट्रेल बंद थी, हमने वहाँ पर अपना कैंप ग्राउंड में भी इंजॉय किया एंड देन अपने आप को थकाया भी नहीं, ड्राइव करके 2 माइल के बाद ऊपर आ गए एंड लुक एट द व्यू बिहाइंड मी, वाओ। इधर से रोड निकल गई जमीन में पानी के अंदर, शाबाश, रोड बह गई।